एवरीवन, तो आज है जी, डेट हो गई है आज 17th of April और सुबह के बज गए हैं 9:51। तो हम लोग रात को आ गए थे सांगला में, जैसे कि आपको पता ही था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, सर पहले तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम जी। सांगला में रुके थे हम लोग, एक गेस्ट हाउस लिया था जिसका नाम था बस्ती गेस्ट हाउस। बेसिक सी एम्यूनिटीज़ हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब यहाँ पर रहने के लायक इतना बढ़िया नहीं है जैसे कि मैं आपको बता दिया है पहले ही। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ की चीज़ें हैं देखने वाली, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर किला भी है महाराजा का और भी थोड़ी सी बहुत चीज़ें हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आप हमारे साथ ही रहना, बने रहना, फिर देखते हैं आगे कितना मज़ा आता है या नहीं आता। यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी थी, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ की। ये देखो, ये था यहाँ का नज़ारा। और ये सड़क से हम लोग इस साइड से आए थे, जब आप आओ उधर से पेट्रोल पंप आएगा, वो उधर की साइड वो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के साथ में पेट्रोल पंप आगे जाके है, ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड से इधर ब्रिज पार करके ये हमारा गेस्ट हाउस था बस्सी। मैं कोई इधर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हमारा रूम उधर की साइड है, वो लास्ट वाला, और बेसिक सा था, कुछ ज़्यादा नहीं था। फिर चलते हैं जी आगे तरफ, चलेंगे आगे की तरफ, चल के आपको मिलते हैं, देखते हैं क्या रह गया क्या नहीं। तो गाइस हम लोग आ गए नीचे अपने होटल से, तो रात को जब हम आए थे ना, ये वाले रास्ते से आए थे सामने वाले से, और हमें जाना है अभी इस तरफ, ये है सांगला द्वार, इस तरफ जाना है। अभी सोचा है कि हम लोग पहले ना चिटकुल कराते हैं, चिटकुल के जो प्लेसेस हैं विजिट करने वाले वो कराते हैं, फिर आके वापसी आते वक्त ना सांगला के कर लेंगे। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपके सामने होगा जी। तो ये व्यू था यहाँ का, आपको दिखाया था पहले भी। तो गाइस मैं आ गया था ये सांगला की मार्केट में, तो ये मार्केट है, मैं क्या थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट करके आगे चलते हैं, बिकॉज फिर बाद में 2-3 दिन हो चुके हैं ना कि खाना अच्छी तरह मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा आज पहले खाना खा के निकलते हैं, थोड़ा सा परोठा परोठा खा लेते हैं फिर आगे की तरफ निकलते हैं। मैं आपको मार्केट का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो उधर से आए थे हम लोग, वो मार्केट इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी मार्केट है, इधर ढाबे वगैरह और मतलब काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं। ये देखो हम लोग यहाँ पर खाने रुके हैं अशोका में, उसके साथ भी पूजा ढाबा भी है, आप किसी भी अभी रुक सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो आगे की तरफ चलेंगे चिटकुल की तरफ, उधर चिटकुल है, बाद में बताता हूँ आपको खा के अभी कैसा बनता कैसा नहीं। आलू के परांठे मंगाए, गाइस हो गया था ब्रेकफास्ट, काफ़ी अच्छा बनाया था उसने, मतलब आलू के परांठे थे और साथ में ब्रेड ऑमलेट था और चाय भी है, अच्छा बनाया था, मैं रिकमेंड करता हूँ, आप देख लेना, पूजा नाम था शायद, उधर से भी खा सकते हो, काफ़ी अच्छे थे। आलू के परांठे मिलेंगे, मिक्स परांठे मिलेंगे और पनीर के परांठे मिलेंगे। आज संडे था इसलिए उन्होंने कम आइटम्स रखी हुई थी, फिर भी जो भी रखा था बहुत अच्छा बनाया हुआ था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे चल के मिलते हैं, बाय बाय। ये देखो इधर की तरफ जाना है, इधर हम लोग ये कैलाश नगरी गंगारंग ऐसा कुछ है, गंगारंग यहाँ पर पहुँच रहे सांगला में, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर है। ये देखो ये पुल से ना, आप लोग इधर से आए थे, हम लोग ये पुल की तरफ से अब इस साइड में जाएंगे। ये देखो वो मंदिर सा बना हुआ छोटा सा, तो पहाड़ों के बीच में पुल भी काफ़ी अच्छा, ये वाला देखो कैसे गाड़ियाँ जाती हैं। आगे की तरफ चलते हैं, गाड़ी का शीशा थोड़ा गंदा हो गया था वो भी साफ़ कर लेंगे, और यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, ये देखो ये सामने शिवलिंग है। अभी चिटकुल की तरफ चल रहे हैं, जो जो आता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। वो सामने मंदिर देखो, हो रहा मंदिर, सड़क के साथ साथ ही जा रहे हैं भाई साहब, क्या पत्थर वाले पहाड़ है ना भाई, मजा आ गया यार देख के, क्या बात है क्या बात है। तो गाइस चलते चलते हम लोग विलेज में पहुंच चुके हैं, तो अभी देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या है, थोड़ा सा विलेज पीछे निकल गया है, तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो ब्रिज है कह रहे हैं यहाँ पर, एक रक्षम ब्रिज है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है नज़ारा। तो गाइस वहाँ से चलते चलते ना एक छोटा सा ब्रिज आया है,
मैंने सोचा था आपको वैसे ही दिखा दूं। तो ये छोटा सा ब्रिज वैसे ही है, सामने ग्लेशियर देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की सुंदरता, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मतलब स्नो कवर्ड पीक्स और साथ में पहाड़ियाँ, साइड में चल रहा है समुंदर, मतलब रिवर चल रही है, पता नहीं कौन सी रिवर है, ऐसा कौन सी रिवर है, सतलुज ही चल रही है। तो देखो मतलब आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, मतलब हम लोग एक एक दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर चले जाते हैं ना, फिर जाके एक गाड़ी मिलती है, मज़ा आ रहा है यार। उन पहाड़ों के पास जा रहे हैं हम लोग, उन पहाड़ों के जितने पास जा ही जा रहा हूँ ना, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए चितकुल के पास, बिल्कुल एक किलोमीटर रह गया यहाँ से, 1 किलोमीटर ओनली। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंडियाज लास्ट विलेज, तो ये है चितकुल, ये देखो चितकुल इंडिया लास्ट विलेज। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं जी, लैप स्टेज वॉन्टर नेस्ट, फीलिंग फैंटास्टिक। हम लोग पिक्चर लेते हैं आगे चल के, ये दूसरे पहाड़ दिखने शुरू हो गए, अभी तक नहीं दिख रहे थे, अभी दिखने शुरू हो गए जी। ये है इंडिया का लास्ट विलेज, इसका एल्टीट्यूड जो है ना 11,320 फीट है, मतलब जो नीचे से इसका 11,320 फीट है। तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, दो तीन पिक्चर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं दोबारा से। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे चितकुल में, और हम लोग अभी जा रहे हैं रिवर साइड पर, आगे से गाड़ी आ गई है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह पर एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी को पास देना। हम लोग रिवर साइड पे जा रहे हैं, तो देखिए बोलो कितनी ढलान है यार यहाँ पर, देखो ऐसे ही जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, गाड़ी बहुत मुश्किल से चढ़ने वाली बात में, देखते हैं कैसा रहता व्यू, बहुत मजा आने वाला है यार रिवर साइड पे बैठ के, थोड़ी देर फोटो खिंचाएंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम रील बनाएंगे, उसके बाद वापसी, और क्या करेंगे यहाँ पर, बस चितकुल में यही है भाई और कुछ नहीं है। सो मजे लो आप लोग भी, आज की मॉर्निंग हमारी शुरू हुई है चितकुल से, पहला डेस्टिनेशन हमारा चितकुल ही रहा है। हम लोग ने सांगला का काफ़ी एरिया छोड़ दिया था। गाइस मैं पहुंच गया था चितकुल, तो ये इंडिया का लास्ट विलेज है, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, अभी मैं रिवर साइड पे आ गया हूँ, तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, शायद आपको वॉइस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो बहुत अच्छा व्यू है यार यहाँ का, ये देखो वो पहाड़ देखो, ये नदी साथ में चल रही है, और वो देखो ऊंचाई तक दूर दूर तक पहाड़ है, वो स्नो कवर्ड पीक है, और यहाँ पे कैंप्स भी थे, ये देखो कैंप्स भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पर भी आके स्टे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा माहौल है। ये देखो नदी, वाओ भाजी वाओ, इट्स कॉल इंडियाज लास्ट विलेज, और एल्टीट्यूड मैंने आपको पहले बता दिया था 13,000 समथिंग समथिंग था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पानी कैसा है, पानी क्लियर है, आई थिंक काफ़ी क्लियर है यहाँ पर, मतलब इतना गंदा नहीं है जैसे कि वहाँ पर आपने देखा था ना, कौन सा था वो जो लेक था ना वहाँ पर नाको लेक, वो तो बहुत गंदा हो गया था, मतलब वो तो स्टैंडिंग था ना लेक हो गया, मतलब बहुत स्टैंडिंग पानी था, तो ये चलता हुआ पानी है, चलता हुआ पानी ज़्यादातर साफ ही होता है, तो ये वाला पानी बिल्कुल साफ है। ये देखो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं उधर की साइड लोग इंजॉय कर रहे हैं, वाओ मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, ज़िंदगी के असली नज़ारे देखो, पूरा मेरे पीछे देखो कितना अच्छा अच्छा व्यूज़ है, व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़े से व्यूज़ के मज़े लो यहाँ के, ये देखो वाओ पाजी, वो खड़े हुए लोग थोड़े से मज़े ले रहे हैं उधर, सारे पीक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे पीक्स हैं, एक तरफ स्नो कवर्ड है, एक तरफ सारा मिट्टी के है, वो देखो उधर अलग से दिख रहे हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, थोड़ा अलग से दिख रहे हैं, उधर देखो वो देखो दूर दूर तक वो कैंप्स बने हुए हैं, उधर भी कैंप्स हैं, उधर थोड़े से घर बने हुए हैं, उधर भी स्नो कवर्ड है, ये देखो नदी, वाओ ब्यूटीफुल भाई आप ब्यूटीफुल, आगे देखते हैं।
एक चीज तो बताना ही भूल गया, पानी बहुत ठंडा था यार। अभी मैंने पानी के अंदर हाथ लगाया था, बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ठंडा। मतलब एक बार हाथ लगाओगे ना 15 मिनट तक हाथ सुन रहेगा आपका, हाथ ऐसा हो जाएगा जैसे आपको मतलब कुछ है ही नहीं हाथ में। 15 मिनट तक ऐसे रहता यार पानी में, बहुत ठंडा यार, बहुत ठंडा। और ये है चितकुल, चितकुल मतलब इंडियाज़ लास्ट विलेज है, आगे चाइना शुरू हो जाता है। चितकुल के बाद आगे बॉर्डर होगा, बॉर्डर के बाद चाइना शुरू हो जाएगा। मज़ा है यार, हवाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ की, यहाँ पर बैठ सकते हो आप लोग, रह भी सकते हो। रात रात हम लोग वहाँ पर रुक गए थे ना, बिकॉज रात ज़्यादा हो गई थी, नहीं तो हम लोग यहीं रुकते। बहुत मज़ा है यार यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, व्यूज़ भी अच्छे हैं और वैसे भी अच्छा है यार मेरे हिसाब से तो। आप लोग आ सकते हो यहाँ पर टाइम पास करने के लिए। मतलब जो नेचर पसंद करता है ना, नेचर जिसको पसंद है, वो लोग आके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, और मतलब जो होता है ना कि मतलब जो खुशबू है पहाड़ों की या पेड़ों की, बहुत अच्छी है यार। साथ में नदी चल रही हो तो और ही मज़ा है यार, मज़ा है। आगे चल के मिलते हैं और जो जो देखेंगे आपको साथ में दिखाएंगे। आप लोग बने रहना, जाइएगा मत कहीं, शायद इसी एपिसोड में सब कुछ आपको चितकुल का भी और सांगला का भी दिखा दूँगा, बने रहिएगा। तो गाइस वो रिवर साइड से तो ऊपर की तरफ आ गया था, ऊपर की साइड आ गया था, अभी मंदिर की तरफ चलते हैं। इधर कहते हैं एक मंदिर भी है, तो मंदिर की तरफ चलते हैं। आई थिंक वो वाला मंदिर है, वो सामने जो दिख रहा है ना वो मंदिर है। देखते हैं कितना ऊपर जाके है, यहाँ से नियर अबाउट कह रहे थे 2-3 मिनट लगते हैं, पैदल का रास्ता है। आपको पता ही है कि मुझे थकावट तो बहुत जल्दी हो जाती है पैदल चलते चलते, फिर भी देख के आते हैं यार, इतनी दूर आए हुए देखो भी ना, फिर क्या फ़ायदा है ना। इस तरह का रास्ता है यहाँ पर, ये देखो साथ साथ ऊपर से पानी आ रहा है। हमें इस साइड जाना है और लकड़ी के सारे घर बने हुए हैं इधर, थोड़ा सा नीचे से बना हुआ वो सीमेंट से, बाकी ऊपर सारा लकड़ी का। वो देखो और ऐसे इस तरह के घर बने हुए इधर, अच्छे लग रहे देखने में। वो मंदिर भी ना पूरा वुडन का ही है मुझे लग रहा है। ये देखो इस तरह के घर है यहाँ पर, कितना ऊपर जाके मंदिर। मैडम मंदिर इधर ही है ना, मंदिर आगे ऊपर जाना ना। आगे से जाना कहीं और से, नीचे से जाओ। नीचे से हाँ। तो गाइस गलत रास्ते आ गए थे, अभी नीचे से जाना है मंदिर की साइड। आंटी जी बोले, मैडम जी बोले इधर से नीचे से जाना है, शायद ये रास्ता होगा, ये वाला मैडम तो शायद ये रास्ता है मंदिर जाने का। बेटा इधर ही है मंदिर, इधर ही है तो इधर से रास्ता है जी, ये रास्ता जा रहा जी, इधर से ये मंदिर आ गया, मंदिर भी आ गया जी। देखते हैं फोटोग्राफी इज अलाउड नॉट। पहुंच गए हैं जी मंदिर, अभी शूज़ यहाँ पर अलाउड तो है, अंदर जाके देखें फोटोग्राफी है कि नहीं अलाउड। बकरी भी थी इधर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सारा लकड़ी का बना हुआ है जी। तो गाइस ये था मंदिर यहाँ का, तभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ तो अंदर कुछ प्रोग्राम सा चल रहा है, मुझे पता नहीं चला क्या चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने फ़ोटोग्राफी के लिए मना कर दिया था, कह रहे अभी नहीं करनी है, शायद बकरी की बलि देने वाले हैं शायद, मेरे हिसाब से तो, बाकी पता नहीं, मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता। इस वजह से शायद उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफी के लिए मना कर दिया था, मैं कैमरा चला रहा था तो मुझे कह रहे कि अभी फ़ोटोग्राफी नहीं लेनी है, शायद बाद में अलाउड कर देंगे, बट अभी के लिए मना कर दिया। उनको होगा कुछ फेस्टिवल टाइप का, कुछ लोकल लोगों का, उन्होंने पूछने की कोशिश की थी बट बताया नहीं उन्होंने कि क्या हो रहा है। तो आप लोग देखो वो था मंदिर, वो पीछे दिख रहा ना वो मंदिर था पूरा। ठंड है थोड़ी सी, ठंड है इधर, ज़्यादा नहीं है चितकुल में, और चितकुल में खास एक रिवर और एक मंदिर है बस। और वैसे लोकेलिटी देखे ना, मीन टू से कि नेचर देखे, नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा है,
और अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी से चलेंगे नीचे की तरफ। सांगला में भी अभी हमें काफ़ी कुछ देखना है, रास्ते में सड़क बहुत ख़राब है, चलते चलते फिर से शाम ना हो जाए, हमें शाम को फिर से निकलना आगे की तरफ जलंधर की तरफ, जहाँ तक भी पहुँचे रात को ले लेंगे रूम, वहीं पर रुक जाएंगे। मैं पहुँच गया हूँ गाड़ी की तरफ, ये रही गाड़ी खड़ी हुई, तो ये आगे की तरफ। भैया आगे भी कुछ है क्या? आगे बस चेक पोस्ट है, बस चेक पोस्ट है, वहाँ तक जाने देते हैं? वहाँ तक है, जाने देते हैं उधर। पुलिस वाले खड़े होंगे उधर, उधर पुलिस वाले होंगे। अच्छा जी, चलो। वो बोले कि आगे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट तक जाने देते हैं, उसके आगे नहीं जाने देते, देखते हैं आगे जाना है या नहीं जाना है, शिव जी महाराज जी क्या बोलते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे जी। तो गाइस मैं आ गया था आपको ITBP के चेक पोस्ट के पास, ये है लास्ट चेक पोस्ट, मतलब जो फर्स्ट डिफेंस को जो होता है ना, मतलब ये होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इंडिया का लास्ट है, प्रोहिबिटेड एरिया आ गया, उसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, आखिरी मतलब हम इससे आगे नहीं जा सकते, गाड़ियां नहीं जा सकती इससे आगे, तो हमें पता नहीं पुलिस वाले देख रहे हैं मारेंगे तो नहीं, हमें चलना चाहिए अभी यहां से, गाड़ी मोड़ के चलते हैं। बस ये लास्ट कैंप थे, वो वाले कैंप जो है ना वो लास्ट कैंप है, इससे आगे आपको कोई कैंप नहीं मिलेगा, ये पुलिस वाला का एरिया है सारा। चलते हैं हम लोग उधर की तरफ वापस, अभी बस ITBP के लोग खड़े हुए हैं, हमें आगे तो जाने नहीं देंगे, तो इस वजह से हमें चलना चाहिए अभी।